दिस न्यूज इज ब्रॉट यू बाय अमनदीप हॉस्पिटल पठानकोट। प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर का दो दिवसीय करसोग दौरा पूरी तरह सफल तथा विकास उपहारों को लेकर भरपूर सिद्ध हुआ है, जो निश्चित रूप से आगामी दिनों के दौरान करसोग के विकास की तस्वीर को बदलेगा। यह बात करसोग के विधायक हीरालाल ने कही। उन्होंने कहा कि मौसम विपरीत परिस्थितियों में होने के बावजूद भी मुख्यमंत्री करसोग दौरे पर आए और सभी क्षेत्रों में विकास योजनाओं तथा उपहार की झड़ी लगाकर क्षेत्र के लोगों को खुश करते हुए उनकी आशाओं के अनुरूप ही खरे उतरे हैं। अनेकों संस्थान करसोग के नाम हुए हैं, जो सुविधाओं का संकेत होंगे। सभी क्षेत्रों में पहुंचे मुख्यमंत्री के समक्ष जो मांगे रखी, वह सभी पूरी होने पर जनता ने भी खुशी जताई है। सर, प्रदेश के जो मुख्यमंत्री, उनका करसोग दौरा जो है पिछली रात को खत्म हुआ है, उसके बारे में आप जानकारी दें कि वो दौरे को आप किस तरह से देखते हैं, क्या क्या विकास कार्य, क्या उपहार मिले हैं। हिमाचल प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री श्रीमान जयराम ठाकुर जी का दो दिवसीय दौरा जो एक ऐतिहासिक और बहुत ही महत्वपूर्ण दौरा जो है कृषक क्षेत्र का रहा है, और इसे जो है आने वाली पीढ़ी जो है सदा के लिए याद करेगी, और जिसमें मुख्य रूप से जो जो दो बड़े संस्थान मिले थे जिनका वर्षों से इंतजार था कृषक क्षेत्र के लिए, एक तो विकासखंड कार्यालय का चुराग में होना, और ये यहाँ पर हमारी 62 पंचायतें वास्ट पंचायतें हैं, कृषकों में प्रेशर था इसलिए जो इसका बहुत ही बड़ा महत्व था और वो चुराग में विकासखंड कार्यालय दिया, इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी का आभार धन्यवाद करना चाहूँगा। दूसरा, जो वर्षों से चली आ रही मांग थी जो बक्षाड़ उस क्षेत्र की थी और वहाँ पर 16 कनगो पटवार सर्कल थे, उनका डिमांड थी कि यहाँ पर उप तहसील खुले, उसके लिए भी माननीय मुख्यमंत्री का बाहर प्रकरण चल, क्योंकि वर्षों से चली आ रही मांग उसको भी जो है कल माननीय मुख्यमंत्री उसकी घोषणा की, इसकी खोलने के लिए घोषणा की है। और इसके साथ साथ चलते चलते जो है कृषक क्षेत्र में जब हम 84 की बात करें तो वहाँ पर PSC को CHC बनाया, कम्युनिटी हेल्थ सेंटर बनाया वहाँ पर, और ये बहुत आवश्यक उस क्षेत्र की मांग थी। और दूसरा, पशु चिकित्सालय बनाया जहाँ सरान पंचायत के अशला में, और उस क्षेत्र के 8-10 पंचायतों के लिए उसका जो है बहुत बड़ा लाभ है। और वहाँ पर सीनियर सेकेंडरी स्कूल कहाणों में, सीनियर सेकेंडरी स्कूल रिछनी में, और अपना और एक जे सेक्शन काव में और जे सेक्शन महोनाग में, और इसके साथ साथ एक पांगड़ा में जो हॉर्टिकल्चर की जो लैंड है, वहाँ लैंड भूमि है वहाँ पर, उसमें नौणी का जो एक हॉर्टिकल्चर का एक यूनिवर्सिटी है, उसका एक विंग, उसका संस्थान पांगड़ा में खोला जाएगा, जो तीन और चारों विधानसभा क्षेत्र के लिए इसका लाभ रहेगा, जो यहाँ पर जो बागवानी क्षेत्र से जुड़े लोग उनके लिए इसका जो फ़ायदा मिलेगा, यहाँ पर रिसर्च होगा और यहाँ पर हमें अच्छे अच्छे पौधे मिलेंगे, यहाँ पर ट्रेनिंग दी जाएगी, ऐसा संस्थान जो है पांगड़ा में वो खुलने वाला, जिसकी माननीय मुख्यमंत्री ने घोषणा की है। और यहाँ पर जो हमारा एजुकेशन बढ़िया हो, यहाँ पर CBSE की क्लासेज हो, इसके लिए भी एक एक अच्छा पैटर्न जो अटल आदर्श विद्यालय के नाम से जो वो पूरे हिमाचल प्रदेश में खोले जा रहे हैं, वो विद्यालय भी करसोग में बहुत जल्द खुलेगा। जमीन की तलाश हम बहुत जल्दी करेंगे और बहुत जल्दी उसका भी जो है यहाँ पर निर्माण करेंगे, ताकि करसोग के बच्चों के लिए, लोगों के लिए उसका का लाभ मिले। हाँ, कहाणों में भी सीनियर सेकेंडरी स्कूल की जो कहाणों जो लगभग 15-17 किलोमीटर से वो बच्चे चलते थे, उनके लिए वहाँ पर +2 हुआ है, और मशोग में जो है मिडिल स्कूल खोला गया, और इसके साथ साथ ही अपने कुफरीधार में उप स्वास्थ्य केंद्र खोला गया उस पंचायत में, और बगैला पंचायत के कोनों में जो है पशु औषधालय दिया गया, बनेरा पंचायत में पशु औषधालय यहाँ पर भी दिया गया, जे सेक्शन गाँव में यहाँ पर खोली गई, और मावना के लिए हमने बहुत अच्छे पहले से मेरी योजना थी कि वहाँ पर हेलीपैड बने, जिसके लिए भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने वो इसकी हेलीपैड की वो वहाँ पर घोषणा की है। ब्लॉक का एक एक्सटेंशन जो है ऑफिस वहाँ पर वो खुला जाएगा, और इसके साथ साथ ही और एक जो हमारा बहुत बड़ा जो है बक्षाल शाहौंगी रोड है, शाहौंगी रोड की बहुत वर्षों से चली आ रही मांग थी, मैं पिछली बार विधायक था तब भी इसकी मांग थी, उसके लिए 18-20 करोड़ रुपए सेंक्शन हुए और उसका भी शिलान्यास जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने किया। और जैसे पानी की योजना है, चाहे वो कंडा कानो नराशमोरा की है, 5 करोड़ 5.5 करोड़ की वो योजना, उसका शिलान्यास किया, और बक्षाल के लिए 2 करोड़ की लागत से पानी की विघ्न खर्च से बक्षाल लिया जाएगा, और पांगड़ा क्षेत्र के लिए 10 करोड़ की योजना बनी, जो ताकि उस क्षेत्र के लिए जो है
लगभग 108 करोड़ रुपए के वो शिलान्यास उद्घाटन किए। हाँ, 108 करोड़ के शिलान्यास उद्घाटन किए और बहुत सारे सौगातें यहाँ कृषक ने दी। इसके लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री जो ऐतिहासिक यहाँ पर घोषणा हुई और महत्वपूर्ण कार्य यहाँ पर हुए, इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी कोटि कोटि मैं आभार व्यक्त करना चाहूँगा, धन्यवाद करना चाहूँगा। धन्यवाद जी, बहुत बहुत धन्यवाद। दिव्य हिमाचल टीवी के लिए करसोग से नरेंद्र शर्मा की रिपोर्ट।